देवी सिंह भाटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं देवी सिंह भाटी। अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिए जाने से नाराज चल रहे थे देवी सिंह भाटी, उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब बीजेपी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने यह इस्तीफा मंजूर किया है। शेखावत और वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं भाटी। 2013 में भी बीजेपी छोड़ी थी भाटी ने, सामाजिक न्याय मंच के नाम से बनाई थी पार्टी। सभी सीटों पर लड़े थे चुनाव, लेकिन करना पड़ा था हार का सामना। इसके बाद फिर से आए भाजपा में, इस बार मेघवाल के खिलाफ थे देवी सिंह भाटी। लगातार विरोध कर रहे थे भाटी और उनके समर्थक। भाटी से राजपूत वोटों में लग सकती है सेंध। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। जी नीरज जी, क्या कुछ इस घटनाक्रम से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं? देखिए आशीष जी, ये बड़ा घटनाक्रम है। हालांकि पहले दिन से माना जा रहा था कि देवी सिंह भाटी ने जब पार्टी से इस्तीफा देने की पेशकश की थी और उसके बाद मंजूर नहीं हुआ, पार्टी ने काफी विचार विमर्श किया, मनाने की कोशिश भी की, कवायद भी की, लेकिन जिस तरह से अर्जुन मेघवाल को उनके विरोध के बावजूद टिकट दिया गया, तो उसके बाद से लगातार भाटी और उनके समर्थक जिस तरह से अर्जुन मेघवाल का जगह जगह खुलकर विरोध कर रहे थे, इससे साफ जाहिर था कि कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा था। दो दिन पहले ही जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें अर्जुन मेघवाल ने पार्टी के नेताओं से इस बात की शिकायत भी की थी कि देवी सिंह भाटी को समझाया जाए, वरिष्ठ नेता है, और उनको मनाया जाए ताकि इससे पार्टी को नुकसान नहीं हो। और उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने फिर उनसे बात की, लेकिन कहीं ना कहीं बात बनी नहीं। अभी तक उनको ये उम्मीद थी कि शायद बाड़मेर से उनको टिकट भी दे दिया जाए, तो अब तक वो इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि कहीं टिकट मिल सकता है, लेकिन अब जब पार्टी को लगा कि पानी सर से गुजर चुका है तो पार्टी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। और आपको बता दूं आशीष की, देवी सिंह भाटी का बीकानेर और आसपास के इलाके में जो खासतौर पर राजपूत समाज की बेल्ट है उसमें खासा प्रभाव है। जी, इससे पहले भी ये जो है 2003 में इस्तीफा दे चुके हैं, सामाजिक न्याय मंच बनाकर उन्होंने पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ा था, हालांकि उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी को हराने में तो इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती ही है। तो ऐसे में इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल कल पार्टी से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं वो पार्टी को कोई फायदा पहुंचाते, तो देवी सिंह भाटी के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने से या उनके इस्तीफा मंजूर होने से पार्टी को अंदर खाने नुकसान जरूर होगा, क्योंकि राजपूत समाज में भाटी जी का काफी अच्छा प्रभाव माना जाता है और राजपूत समाज खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी से उनका स्वाभाविक जुड़ाव है। ऐसे में देवी सिंह भाटी के को पार्टी से निकालने का खामियाजा पार्टी को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है आशीष जी। कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि अब इस्तीफा पार्टी ने मंजूर कर लिया है, तो मान मनोबल का जो दौर है उस पर तो पूर्ण विराम लग चुका है और लोकसभा चुनाव से पहले अब भाटी फिर से बीजेपी में एंट्री नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं अर्जुन राम मेघवाल को अब और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, ऐसा लगता है आपको? देखिए आशीष, इसमें ये हो गया कि अब साफ तौर पर ये हो गया कि अब तक जो है भाटी अकेले अपने दम पर इनका विरोध करते रहे थे और कहीं ना कहीं जो इनके साथ जुड़े हुए बीजेपी के जो लोग थे वो भी उनका विरोध कर रहे थे, अब ये खुलकर पाला देंगे उनको क्योंकि और जो इनके समर्थक है, लेकिन जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की विचारधारा के समर्थक है, वो लोग अब इनसे किनारा कर लेंगे। एक जाति विशेष पर इनका प्रभाव है, वो लोग जरूर इनके कहने से डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन जो पार्टी के लोग भी अब तक जुड़कर इनसे जुड़कर अर्जुन मेघवाल का कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे या नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, वो कम से कम पार्टी के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पार्टी की विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। कई बार पार्टी की विचारधारा को आदमी नहीं छोड़ता है, लेकिन जब इनको हटा दिया, पार्टी से निकाल दिया, इनकी सदस्यता समाप्त कर दी है, तो ये खुलकर काम करेंगे जी। तो कहीं ना कहीं मेघवाल के लिए फायदा भी है, कहीं ना कहीं सीधा सीधा नुकसान भी है जी। क्योंकि अब तक ये पार्टी में रहकर नुकसान कर रहे थे, अब ये खुलकर पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, तो अर्जुन मेघवाल को कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन जो पार्टी के प्रतिबद्ध जो मतदाता है वो पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे आशीष जी। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि भाटी का ये इस्तीफा क्या बीकानेर की सीट को ही प्रभावित करेगा या प्रदेश की 25 सीटों पर भी इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि राजपूत मतदाता बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं, क्योंकि देवी सिंह भाटी इस चीज को आजमा चुके हैं पूर्व में, और पहले जब विधानसभा चुनाव में इनकी जो सामाजिक न्याय मंच जो बनाया था,
जी इसमें देवी सिंह भाटी के अलावा लोकेन्द्र सिंह गालवी सहित तमाम कई दिग्गज नेता थे और सब लोगों ने एक पार्टी भी बनाई थी और चुनाव भी लड़ाया था। तो कहीं न कहीं जो इनका प्रभाव वो बीकानेर संभाग पर आप मान सकते हैं जी, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और उस इलाके में इनका जो जैसलमेर बाड़मेर में राजपूत समाज में अच्छा प्रभाव माना जा सकता है। शेष राजस्थान में ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो इनके समर्थक है, फॉलोअर्स हैं, उनकी कोशिश करेंगे कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने के लिए अपील करें। और हो सकता है अगर ये खुद ये तय कर लेंगे नहीं पूरे राजस्थान में मुझे एक अभियान चलाना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े नुकसान की संभावना जताई जा सकती। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इनका मकसद सिर्फ अर्जुन मेघवाल का विरोध करना है, तो ये हो सकता है अर्जुन मेघवाल को ही घेरने का काम करें, उन्हीं को हराने का काम करें। लेकिन यदि पार्टी ने निकाल दिया और इनके, क्योंकि ये अपनी मर्जी के मालिक माने जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल और दूसरे नेताओं के बारे में है, तो इसी तरह से देवी सिंह भाटी भी, क्योंकि बहुत ही जनाधार वाले नेता है, ऐसा नहीं है सामान्य कि पार्टी ने टिकट दे दिया और पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत गए। खुद जनाधार वाले नेता, बड़ी संख्या में फॉलोअर्स है, इसलिए पार्टी को जरूर कहीं कहीं इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने बताया कि कितने समीकरण देवी सिंह भाटी का इस्तीफा मंजूर करने से बदलने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दे दी है और कहा है कि भाटी के पार्टी छोड़कर जाने से, उनका इस्तीफा मंजूर करने से पार्टी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।